एक है ईमान बिल्लाह या तौहीद। तौहीद उसी को कहते हैं जिसे ईमान बिल्लाह कहते हैं। एक है ईमान बिल आखिरा या माद, और एक है ईमान बिल रिसालत। ये तीन उन्वानात हैं, लेकिन ये के बाद जब अब मैं तफसील से बयान करूंगा तब ये अलहदा अलहदा आपके सामने आएंगे कि अंबिया ने, और ये मुश्तरक चीज है, ईमान जिसकी दावत दी मूसा ने, ईसा ने, इब्राहिम ने, नूह ने, हूद ने, सालेह ने और मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालेहि सलातो वसलाम, सरे मुंह फर्क नहीं है। शरीयत में फर्क है, नमाज कैसे होगी, रोजा कैसे होगा, ये सारे अहकाम, फला चीज हलाल फला हराम, इनमें भी फर्क हो जाएगा, हुआ है। लेकिन जहां तक ईमान का ताल्लुक है, अज आदम ताईदम, आदम से लेकर आज तक ईमान में कोई फर्क वाकई नहीं हुआ, वो वही है आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो क्या है? पहले सवाल का जवाब उन्होंने दिया, ये कायनात जो निहायत वसी और अरीज कायनात है, जो ता हद निगाह फैली हुई है, आज तक भी हमें मालूम नहीं कि कहां शुरू होती है कहां खत्म होती है। निहायत पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हमने ईजाद कर ली हैं, कितने कितने कुतर के शीशे बना लिए गए हैं, लेकिन आज तक भी हमें मालूम नहीं कायनात शुरू कहां हुई खत्म कहां हुई, वी डोंट नो। उनका पहला जवाब क्या था? ये कायनात ना हमेशा से है ना हमेशा रहेगी, ये हादिस है फानी है, और एक खास वक्त में इसकी तखलीक हुई है और एक खास वक्त तक के लिए हुई है, इला अजलिन मुसम्मा, नंबर दो। नंबर तीन, इसका एक खालिक है, खुद ब खुद नहीं बनी, खुद ब खुद नहीं चल रही, खुद ब खुद नहीं खत्म होगी, एक खालिक है इसका जिसने इसको पैदा किया, और यह कि पैदा करने वाला, चलाने वाला और खत्म करने वाले तीन नहीं है। जिन हजरात के इल्म में होगा, हिंदुओं में एक मसलक यह भी है, पैदा करने वाला खुदा और है, इसका रब, इसको चलाने वाला परवरिश करने वाला और है, इसको खत्म करने वाला और होगा। यानी यहां तक तो वो मान रहे हैं कि कायनात ना हमेशा से ना हमेशा रहेगी, ये पैदा हुई है और खत्म होगी, लेकिन यहां से आगे फर्क हो गया, पैदा करने वाला और, इसको नरिश करने वाला परवरिश करने वाला और, इसको हलाक करने वाला और। जबकि अंबिया की दी हुई बात क्या है? वो एक ही अल्लाह है, वही खालिक, वही मुदब्बिर, वही है कि जिसके हुक्म से कायनात खत्म होगी, कयामत वाकई हो जाएगी। एक नक्शा कुरान मजीद में दो जगह पर खींचा गया है, जैसे आप बिस्तरा कभी बिछाते हैं कभी तय करते हैं, अल्लाह ने इस कायनात की इस बिसात को बिछाया है, एक वक्त आएगा वो तय कर लेगा। व समावात मतवी या तुम बे यमीनी, वो दिन आएगा कि तुम्हारी ये जमीन उसके एक मुट्ठी में होगी, वल अर्ज़ो, ये एक पूरी की पूरी जमीन जो है, कब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, उसकी एक मुट्ठी में होगी। व समावात मतवी या तुम बे यमीनी, और तमाम ये फिजाएं और खलाएं उसके दाहने हाथ में लिपटी हुई होगी। बहरहाल वो एक खुदा है, एक खालिक है, एक मुदब्बिर है, एक ही है कि जो इसको हलाक करने वाला है। नंबर चार, वो जो एक हस्ती है वाहिद, ना उस जैसा कोई है उसकी जात के एतबार से, ना उस जैसा कोई है उसकी सिफात के एतबार से, ना उस जैसा कोई है इख्तियारात के एतबार से, ये तौहीद हो रही है ना। और नंबर पांच, जितनी सिफात कमाल हैं वो उसमें बतमाम कमाल मौजूद हैं। मसलन इल्म एक सिफत है, आला सिफत है, आलिम एक गैर आलिम के मुकाबले में एक आला हस्ती का हामिल है, तो अगर इल्म एक आला कद्र है तो वो बेकुल शैन अलीम, वो हर चीज का जानने वाला है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं आप ओमनिशंट, ही नोज एवरीथिंग, कुदरत अथॉरिटी ताकत, ये अगर कोई कदर है यकीनन है, तो हुआ अला कुल शैन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है।
اومنی پوٹنٹ، اسی طرح حیات زندگی، ظاہر بات ہے زندہ شے مردہ سے بہتر ہے، معلوم ہوا زندگی افضل ہے، زندگی ایک اعلیٰ قدر ہے، تو وہ کیا ہے؟ الحی، وہ زندہ و جاوید ہستی ہے، اور تمہاری زندگی تو بڑی کمزور زندگی، دی ہوئی زندگی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، جبکہ اس کی زندگی ذاتی، اس کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، تمہاری زندگی کا دار و مدار غذا پر، ہوا پر، پانی پر، اس کی زندگی کو کسی شے کی احتیاج نہیں، تمہاری زندگی کے ساتھ تکان بھی ہے، نیند بھی ہے، اونگ بھی ہے، اس کی حیات وہ ہے جس میں نہ تکان ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے۔ اب آپ نے سنا، سوچا ہوگا، یہ آیت الکرسی کے ابتدائی الفاظ ہیں جن کا مفہوم میں نے ادا کیا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ہے، ان تمام چیزوں کو جب آپ جمع کرتے ہیں یہ کیا بنا؟ یہ ایمان کا ایک جز ہے، پہلا جز ہے، اسے ایمان باللہ کہیں، اسے توحید کہیں، کوئی فرق باقی نہیں۔